हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये देखो, सुबह सुबह बहुत ही सारी सब्जी दिए है मामा ने, तो उन लोग बहुत ही चास किए खेती में, तो इसलिए बैंगन दिए है और झींगा करेला था। तो पहले देखो, करेला और आलू अच्छे से धो रही हूँ, तो चाल में डाल दिए है क्योंकि एक साथ में बॉयल हो जाएगी और जो करेला और आलू की चोखा बनेगी इसलिए अच्छे से बॉईल हो जाएगी, फिर अच्छा चोखा भी बन जाएगी इसलिए। और अभी देखो कितना धुआँ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा धुआँ हो रही है, तो पहले आग को जला लेती हूँ नहीं तो ये चाल भी नहीं बनेगी। तो देखो इसलिए सूखी पत्ता को डाल दिया है और देखो थोड़ा पंखा कर देती हूँ, जल जाएगी। ये देखो बहुत अच्छे से जल गया है, तो मैं अभी तैयार हो गई है और मैं बाज़ार जाऊँगी इसलिए। तो चाल को चढ़ा दिया तो बन जाएगी, तो दादी उतर देगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बताती हूँ, तो आप लोगों को तो बता रही थी कि मैं बाज़ार जाऊँगी और अभी देखो ये देखो सब्जी लेकर आ रही हूँ। सब्जी अभी कट भी कर लिया है और अभी देखो सब्जी बनाने में भी बैठ गई है, क्योंकि मैं बाज़ार नहीं गई हूँ, क्योंकि बाज़ार जा रही तो बाज़ार जाना तो कैंसिल हो गई है, क्योंकि आज मैं एक रिलेटिव के घर जाऊँगी। तो अचानक मामी ने कॉल किया है, मैं बाज़ार जा रही थी, बस बाहर निकली घर से और फ़ोन किया है एक मम्मी ने, तो बोल रहा है आज हम लोग जाऊंगी, तो बोल रहा था परसों जाऊंगी हम लोग, तो आज कॉल करके बोला कि आज ही जाऊंगी, तो इसलिए। तो दादी बोला ठीक है आज मत जाओ बाज़ार, तो आज उधर ही चले जाऊं रिलेटिव का घर में, तो इसलिए मैं फिर लौटा और इधर सब्जी बनाने के बैठ गई। तो जल्दी जल्दी खाना वाना बना लेती हूँ और नहाने के बाद हम लोग जाऊँगी, तो इसलिए। तो ये जो झींगा जो लेकर आई है, तो झींगा आलू की पोस्त ही बना रही हूँ, तो हम लोग झींगा आलू की पोस्त बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा बनता है हमारे घर में ये जो झींगा आलू पोस्त, तो वही मैं बना रही हूँ। तो झींगा आलू पोस्त पहले बना लेती हूँ और ये जो बैंगन है तो इसका बैंगन फ्राई बनाऊँगी, तो पहले कट करना होगा तो इसलिए देखो। तो जल्दी जल्दी पहले कट कर लेती हूँ और जाना भी है, तो अचानक से मम्मी भी कॉल की है और हम तो तैयार भी नहीं हैं तो ऐसे जाने के लिए, तो जाना तो पड़ेगी ही, तो इसलिए देखो ये दे जो बैंगन है तो वह भी काट रही हूँ, तो पहले कट कर लेती हूँ। तो देखो बैंगन फ्राई के लिए ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है, तो थोड़ा पतला पतला ही काटना है, तो उसके लिए पहले ये जो बेसन के बैटर बनाना पड़ेगी, तो इसलिए बेसन ले लिया है और इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी और ये जो ये काश्मीरी लाल मिर्च दिए है, आप लोग लगा भी सकते हैं नहीं तो मैं लगाए इसमें, और अभी देखो पानी से अच्छे से मिला लेती हूँ ये सब जो मिक्स किए हैं, तो देखो अभी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तो ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना पड़ेगी, ज़्यादा पानी से पतला हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा ही। और अभी देखो ईस्ट लगा रही हूँ, तो थोड़ा जब ये बैंगनी फ्राई बनेगी तो बहुत अच्छा फूलेगी और बहुत अच्छा भी बनेगी, तो इसलिए थोड़ा डाल दिए है। और अभी देखो अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ये सब मसाला जो लगाया है इसमें बेसन में, तो देखो ये बेसन का बैटर अच्छे से बन गया है, रख दिए है। और इधर देखो झींगा आलू पोस्त बना रही थी, तो ये देखो पोस्त डाल दिया है, अभी पेस्ट करके रख दिए थे, तो इसमें और थोड़ा पानी भी लगा लेती हूँ। ये देखो इसमें भी पोस्त लगा था, तो इसलिए पानी अच्छे से मिला कर फिर डाल दिया है, तो ये सब अभी अच्छे से मिला लेती हूँ कुछ देर, फिर हो जाएगी ये झींगा आलू की पोस्त। और ये देखो बैंगन, तो इसमें भी सॉल्ट लगाना पड़ेगी नहीं तो अंदर में सॉल्ट कैसे जाएगी, बाहर में तो लगा लिए है बेसन में, तो इसलिए इसमें भी सॉल्ट दे दिया और थोड़ा सा हल्दी भी दे देती हूँ सब में। और अभी अच्छे से मिक्स करना है
बस हल्दी और सॉल्ट ही देना है। तो सब एक एक करके देखो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ये बैगन में, तो सब अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। तो देखो अभी अच्छे से जितना सारा बैगन था तो सब अच्छे से मिक्स भी हो गया है। और ये देखो सब्जी, ये जो झींगा आलू की पोस्त बन रहा था तो ये भी अभी उतर देती हूँ, तो हो गया है। और अभी जो बैगन है तो अभी फ्राई करना है। तो देखो बैटर भी रेडी हो गया बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये देखो बैगन भी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। और अभी देखो ऑयल डाल रही हूँ, वाइट ऑयल दे रही हूँ, और आग देखो बहुत ही जल रहा था और इसलिए निकाल दिया है। तो चूल्हा में ऐसे होता है, कभी कभी बहुत जल जाता है, कभी कभी कम जल जाता है। तो अभी तो ये जो बना रही हूँ बैगन के फ्राई, तो ये बनाने में ज़्यादा आग भी नहीं जलाना पड़ेगी, कम आग में ये बहुत अच्छा बनेगी। तो इसलिए तो देखो बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी डाल दिया, देखो बहुत ही अच्छा फूल भी गया है। ये देखो बैगनी फ्राई बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके जितना सारा है तो सब पहले फ्राई कर लेती हूँ। ये देखो तो एक तो हो गया है और भी है, तो ये देखो कटोरा में, और तो ऐसे करके सब फ्राई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो देखो जितना सारा बैगनी था तो सब ऐसे करके फ्राई कर लिए हैं। और अभी पहले दादी और मम्मी को दे देती हूँ ये जो बैगनी फ्राई किए हैं, तो बहुत ही सारा ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और थोड़ा कलर किया है तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। जो रेड चिली पाउडर दिए है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो चलो दे देती हूँ। दादी अभी खाएगी और मम्मी भी, तो दे देती हूँ। तो पूछती हूँ कैसा हुआ है मामी और दादी को, तो दादी बोले बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा हुई है। तो दुकान में जैसा बनाता है ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत ही सॉफ्ट, तो देखो और बहुत ही क्रंची। तो देखो मामी भी खा रही है और दादी भी। तो चलो पहले जितना सारा काम है तो अभी कर लेती हूँ। तो आप लोगों को तो बता रही थी और रिलेटिव के घर जाऊँगी, तो सब काम कर लेती हूँ, और नहाना भी है सभी। और ये देखो थोड़ा सा बैगन थोड़ा ये फ्राई करने के लिए रख दी थी ऐसे ही, ये बिना बेसन में, तो इसलिए ये भी फ्राई कर रही हूँ। तो ये फ्राई करके अभी उतर देती हूँ, तो उसके बाद ही इधर सफाई करूँगी। तो देखो अभी अच्छे से फ्राई भी हो गया, और ये देखो पानी उधर भर के रख दिए थे दादी, तो दादी तो नहीं ला सकते तो मैं उधर रख दिया है, सब पानी तो भर लिए है। और अभी जहाँ रहती है सब पानी सब तो रख दिए है, अभी ये सब भी सब रख देती हूँ। तो सब तो बन गया है, तो अभी देखो उतर रही हूँ ये जो बैगनी फ्राई किए है थोड़ा सा जो बचा था ऐसे ही, तो चलो रख देती हूँ। और इधर झाड़ू भी लगाना है, और ये देखो बहुत ही सारा बर्तन ये भी धोना है, तो इसलिए आज बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। आज तो जाना है रिलेटिव का घर, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो दादी तो नहीं कर पाएगी ये सब काम, इसलिए मैं ही जल्दी जल्दी सब काम कर लिए है, खाना बनाना और बर्तन धोना, तो सब धो लिए हैं, और कपड़ा भी सफाई कर लिए हैं दादी और मम्मी का। तो मम्मी भी तो नहीं बना सकती है खाना, तो इसलिए मैं ही बना लिए है। तो सब बना लिए, सब काम भी हो गई है, अभी देखो नहा भी लिए है, और अभी देखो हम खा रही हूँ लंच। तो अभी लंच का टाइम तो नहीं हुई है, अभी तो घड़ी की बज रहा है 9:30, तो अभी हम खा रही हूँ, तो खा के हम लोग जाऊँगी। तो इसीलिए तो ये देखो मैं तैयार भी हो गई, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने में मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग बहुत बहुत खुश रहें।